नारायणगढ़ में निवर्तमान ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों का विदाई समारोह आयोजित। शुक्रवार को ब्लॉक सभागार में निवर्तमान ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख यशपाल सिंह नेगी द्वारा सभी निवर्तमान ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों को शॉल देकर के सम्मानित किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक और विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ब्लॉक प्रमुख यशपाल नेगी ने निवर्तमान ग्राम प्रतिनिधियों के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने भरोसा जताया कि प्रयास भविष्य में भी जारी रहेंगे। इस मौके पर वक्ताओं ने ब्लॉक प्रमुख यशपाल नेगी के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में नारायणगढ़ विकास खंड ने कई उपलब्धियां हासिल की है। उन्होंने बताया कि अस्पताल के उच्चीकरण और महाविद्यालय में विज्ञान संकाय खोले जाने को लेकर के सरकार के स्तर पर कार्रवाई चल रही है। ब्लॉक प्रमुख यशपाल नेगी ने पंचायत प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके सहयोग से विकास कार्यों को गति मिल सकी है। उन्होंने सभी निवर्तमान प्रतिनिधियों को भविष्य में भी क्षेत्र के विकास के लिए योगदान देने का आग्रह किया। समारोह का संचालन ज्येष्ठ प्रमुख कुशलानंद सती द्वारा किया गया। इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य भागीरथी रावत, समाज सेवी डॉक्टर हरपाल सिंह नेगी, BDO प्रकाश चंद मैखुरी, प्रधान संगठन अध्यक्ष मोनू सती सहित गणमान्य व्यक्तियों ने अपने विचार साझा किए। के कमरे की कुर्सी बैठने लाई थी, कहीं कोई स्थिति तो इस प्रकार की थी कि जो जैसे यहाँ पे जो है खाली कबाड़ खाना बना रखा हुआ। जब हम आए आपको बता रहा हूँ, ये फील्ड में सारा जो है कचरा पड़ा हुआ था। ये जो है स्वास्थ्य केंद्र है हमारा, वहां पे शराब की दो तरह पड़ी है। मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, आप तो उसने तो बड़ी मुश्किल से आपको इसकी दशा सुधारने के लिए, क्योंकि इसकी दूसरा दशा जो है किस प्रकार से सुधरेगी। और आप लोगों का भी सहयोग दिया कि भाई प्रधान लोग यदि कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अंतर्गत पंचायत के जो है देखा था वहाँ जो प्रत्येक प्रधान का जो है दिया हुआ था कि जो है ₹500 वहाँ पे 94 प्रधान लोगों ने किया था, वहां से आया था। लेकिन आप आज हम पुराने जितने लोग इस टाइप के बने हुए हैं, उसमें आज के दिन चाहे हम अपने कार्य क्षेत्र में हों चाहे इसकी दिशा में हों, हमें एक दिशा देके इसको देनी है। आने वाला किसका होता, आपका किस्मत खुल जाए, आपका किस्मत नहीं जाए, किसी की भी किस्मत में जो ये नहीं है कि ये चीज हो जाए जुली। तो यहाँ पे जो है अभी हमारे जिला अनुश्रवण समिति की बैठक होने वाली है, जिसके लिए की यहाँ पे तैयारी चल रही है। माननीय सांसद महोदय यहाँ पे आएंगे, हमारे जिले के प्रभारी मंत्री महोदय आएंगे और हमारे लिए तीनों विधायक आएंगे, सारे जिले के अधिकारी आएंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि प्रधानगिरी गए लेकिन यहाँ के नागरिक हम नहीं। इस नागरिकता का हमको एक अपना फर्ज निभाना है कि किस प्रकार से हम अपने क्षेत्र का विकास करें। अपने जो है इस नारायणनगर में तीन उपलब्धि मानता हूँ अपने कार्यकाल की। तीन उपलब्धि कौन सी हमारी, एक तो हमारा जो है डिग्री कॉलेज हुआ, एक हमारे यहाँ पर जो है पोस्ट ऑफिस का भवन बन गया, एक हमारे अपना जो है ऊपरी गंगा जलागर का भवन बना, बाकी यहाँ पर कुछ कर दिया। जिस जिस हमने वोट मांग की पहले से जो है वोट मांग की मांग की, लेकिन अभी तक जस्ट 10 हमारे जो है कार्य जो है पड़े हुए। हम यदि आप लोगों से निवेदन करता हूं, मैं अब आंदोलन की बारी है आपकी और हमारी। हमने छूट चुका है तो हमारी जो पाबंदी थी, क्या आप प्रधान है, आप क्षेत्र पंचायत है, प्रमुख है, आप कुछ नहीं करेंगे जी, आप जो आपको जो हम ये बयान लगवा रहे हैं, अरे आम नागरिक है ना, आम नागरिक करके जो हम लोग करेंगे। जब हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम नेता हैं, प्रतिनिधि हैं हम क्षेत्र के, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अपने लोग के चुनाव विकास की दिशा सुधारे, दशा सुधारे। लेकिन बड़ा जो है हम लोग को बहुत अफसोस होता है, सॉरी।